भी आज देखिए कल भिंडी लाए थे तो हस्बैंड ने क्या करा, सारी सब्जियां धोई, उन्होंने ही धोई हैं, और देखिए काट के भी दे दी। हेलो व्यूअर, कैसे हो आप? आज जो है ना, आज है 24 जुलाई और दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं किचन में हूँ। ये देखिए, मैंने अपने लिए फ्रूट काट लिया है, एक एप्पल और एक नाशपाती। ठीक है, तो दोनों ही अच्छे होते हैं, इससे पेट भी भरा रहता है। मतलब वैसे भी ना फल खाने चाहिए, ज़्यादातर फल और सब्जियाँ ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, अनाज कम कंज्यूम करना चाहिए। तो सात्विक खाने में पता क्या होता है, सात्विक खाने में, एक मिनट में बताती हूँ आपको। हेलो व्यूअर, आज है 24 जुलाई और इस समय पता मैं क्या कर रही हूँ किचन में ना, मैंने भिंडी काट के, इसके पापा ने काट दी थी, इनके पापा ने, तो मैं अब भिंडी बना रही हूँ, वो भी सात्विक वाली, मतलब कि मिट्टी के हांडी में भी बनाऊँगी और बिना घी के बनाऊँगी, क्योंकि भिंडी तो कई तरह से बनती है। पूरी भिंडी को तल के भी बनाया जाता है और वैसे थोड़ा थोड़े ऑयल में भी बनाई जाती है। कोई कई लोग तो रस भरी बनाते हैं, मतलब ग्रेवी वाली, तो मैं जो है ना सात्विक वाली बना रही हूँ। इसमें मसाले, आपको पता है सात्विक का मतलब है कि मसाले बहुत कम डालेंगे। ठीक है, अब इसको मैंने भिंडी को भगोने में रख दिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, मतलब एक कप के करीब पानी डाला है। इसको मैं रख रही हूँ और गैस जला दी मैंने, इसको गलने के लिए रख देते हैं। ये जो मिट्टी का बर्तन है, मैं स्टील की करछी ना यूज़ करें तो अच्छा, तो मैंने तो लकड़ी की निकाल ली है। ठीक है, और देखूँगी मेरे पास वो उस तरह की जो आती है ना आजकल, जैसे ये वाली ब्लैक वाली मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है, जो नॉन स्टिक पर यूज़ होती है, वैसी करछी हुई तो मैं वो भी निकाल लूँगी। पर अभी मैं इसको गैस पर रख दिया है और गैस अभी स्लो ही कर देती हूँ। ठीक है, और क्योंकि स्टार्टिंग में जो काम करने हैं ना, उसको स्लो पे ही करते हैं मिट्टी के बर्तनों में, नहीं तो क्रैक हो जाते हैं। और चलो अब मैं बाकी सामान भी तैयार कर लेती हूँ कि और क्या क्या मेरे को डालना है इसमें। बस ये देखिए सामान ले आई हूँ मैं, नारियल डालूँगी कद्दूकस करके, और प्याज जो है मैं ऐसे ही काट के बड़ा बड़ा डाल दूँगी। बाकी चीज़ें ये दो प्याज, बाकी ये टमाटर है, हरी मिर्चियाँ 3, अदरक है, लहसुन है, इसका पेस्ट बना के डालूँगी। ठीक है, और इसका पेस्ट लास्ट में ही डलेगा, अभी जब अच्छे से गल जाएगी ना वो, उसके बाद लास्ट में डलेगा। और जब पेस्ट बनाएंगे उसी में हम नमक डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे जो पेस्ट में, लास्ट में गैस बंद करके उसको ऐड कर देंगे। तो पहले सामान तैयार कर लेते हैं, ठीक है, फिर बनाते हैं, देखते हैं आज सात्विक भिंडी बना के देखते हो कैसी बनती है। क्योंकि उस दिन मैंने वो बनाई थी ना गोभी परसों, इतनी स्वाद बनी थी कि छाती जो गोभी खाती ही नहीं है, ना वो चावलों में खाती है ना आलू गोभी खाती है। उसने क्या करा कि उसको मैंने जब दी ना, तो उसने कहा कि आपने गोभी की सब्ज़ी नहीं बनाई, आप तो आलू दिख रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही गल गई थी कुछ। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं, मैंने गोभी नहीं डाली, पर बाद में से गोभी दिख गई, वो कह रही तो गोभी की है। तो फिर भी उसने खा ली, उसे टेस्टी लगी, क्योंकि पूरा नेचुरल स्वाद आ रहा था उसमें आलू गोभी का। ठीक है, तो बाद में ना थोड़ी सी कटोरी में बची रात के, मतलब कि बची, मैंने फ्रिज में रखा, अगले दिन भी वो मांग रही थी, कह रही मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी दे दो। मुझे इतना खुशी हुई ना, मैंने कहा अरे वाह, मतलब जो लड़की आलू गोभी बिल्कुल नहीं खाती थी, वो कह रही मेरे को भी दे दो। ठीक है, और फिर सबको फिर हमने थोड़ी थोड़ी बांट के खाई थी, अगले दिन जरा सी बची थी, ज़्यादा नहीं बची, वो टेस्टी इतनी थी कि ख़त्म हो गई। चलो मैं इसका मसाला, मैं सोच रही थी कि ये जो भिंडी है इसको भी मैं सात्विक तरीके से ही बनाती हूँ। ठीक है, हेलो व्यूअर्स, मैंने सब्जी को हिलाया, अब देखिए इसमें प्याज ऐड कर दिया। ठीक है, प्याज का भी फ्लेवर अच्छा लगेगा, थोड़ा क्रंची फ्लेवर आएगा। वैसे भिंडी गल चुकी है, पर मैं फटाफट तब तक वो करके लेकर आती हूँ। 2 टमाटर, लहसुन, अदरक, सब इनका पेस्ट बना के लाती हूँ। अभी तो ये डाले हैं मैंने, गैस वो है, और ये देखिए गल चुकी है, कितनी अच्छी लग रही, नेचुरल कलर आएगा ना इसमें। इसमें हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोची कई चीज़ें होती हैं इसमें हल्दी डाल के अच्छा लगता है, पर इसमें ज़रूरत नहीं है। चलो इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा और पक जाएगी, और बाद से ही पक जाती है, गैस लो है, मैं अब बाकी चीज़ों का पेस्ट बना के लाती हूँ। बस ये देखिए मैंने मिक्सी में मिक्स कर लिया है, 2 टमाटर, अदरक, लहसुन, ठीक है, और 3 हरी मिर्चें, और तो मैंने इसमें काला नमक भी डाल दिया है। ठीक है, अब हम गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि मेरी गोभी भी बहुत ज़्यादा गल गई थी, अब कहीं ये भी ना गल जाए। ठीक है, और ये देखिए हमने इसको एक बार करछी से हिला देते हैं, ये देखिए नेचुरल कलर आएगा पूरा, सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है उसी में गल गई। ठीक है, अब इसमें ये ऐड कर देते हैं सारे का सारा। ठीक है, और इसके बाद इसमें नारियल भी ऐड कर देते हैं, नारियल मैंने कद्दूकस करके रख लिया था, क्योंकि घी की जगह पे नारियल यूज़ करना है। ठीक है, इसको मिक्स करके गैस बंद कर दिए मैंने, मिक्स करके इसको 15 मिनट के लिए रख देना है, ताकि सारा मसाला इसमें ऐड हो जाए। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमने इसमें जब 10-15 मिनट के बाद हमने हरा धनिया डालना खूब सारा। ठीक है,
अभी मैं बस हरा धनिया काट लेती हूँ। ये देखो मिक्स हो गई है, ग्रेवी मिक्स हो गई है, थोड़ी अच्छे से गल जाएगी इसके अंदर ही, इसका फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए अब गैस हम बंद कर देते हैं, ठीक है, मतलब गैस को ढक देते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं भिंडी का क्या हाल है। ये देखिए भिंडी, ठीक है। अब इसमें मैं ये ना हरा धनिया डाल देती हूँ, ठीक है, हरा धनिया डाल दिया, बस अब इसका टेस्ट करके देखेंगे कैसा है। मिक्स कर लेते हैं हरे धनिया को, टेस्ट देखते हैं कैसा बना है। बिल्कुल ऑयल नहीं है, आपने देखा ही है, नारियल डाला है, नारियल भी पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है, पता ही नहीं लगता नारियल का भी। वो तो मैंने गोभी में भी नारियल डाला था, पता भी नहीं लगा था नारियल डाला भी है। चलो सब्जी बन चुकी है, देख लीजिएगा। इधर आटा ये तवा रखा हुआ है गैस पे, इधर मेरा दही तैयार है क्योंकि इसके साथ हम दही खाएंगे। और दही में ये डाला है मैंने काला नमक, काली मिर्च और चिया सीड और जो है फ्लैक्स सीड, ठीक है, ये डाले हैं। और इधर आटा भी तैयार है, दो आटों को मिक्स करके बनाया है। इसमें ओट का आटा और नॉर्मल आटा है, दोनों आते हैं। तो मैं रोटी स्टार्ट करती हूँ बनाना। आज है 24 तारीख, रात के खाने में हमने ना सूप बनाया, मिक्स वेज सूप, बहुत सारी सब्जियाँ डाल के बनाया है, चुकंदर भी डाला है जब इसका रेड कलर है। और ये थोड़ा सा साइड में ये देखिए, ये अलग से स्टॉक ये रख लिया था मैंने, ये बाद में ऊपर से डाला है। और ये देखिए है ना, तो ये खा स्वाति को खाना था नूडल्स वाला, तो आधा बच गया है, मैं से बोल रही हूँ तू नूडल्स पर डाल के खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। नूडल्स एक साइड में उबाले, बनाया मैंने हांडी में है, पर जब मिक्स करने के बाद फिर कढ़ाई में पलट दिया, ठीक है, दोबारा हांडी में नहीं पलटा जाता था ना, कई दिनों से बनाया नहीं था मिक्स वेज सूप, तो आज बना ही लिया। चलो मैं इसको इंजॉय करती हूँ। हेलो व्यूअर्स, शाम के 7:15 हो रहे हैं और देखो आज है 25 तारीख, 25 जुलाई, शाम की चाय बच्चे मांग रहे हैं, तो मैंने ना चाय बना ली है। देखो बस इसको थोड़ा उबाल दबाना है, गैस तेज कर दूँ। इधर मैंने सैंडविच बना लिया, सैंडविच खाने का ना मेरा मन कर रहा था, इसमें डाला है प्याज टमाटर हरी मिर्च और पनीर, और सॉस लगाई है दोनों साइड, मीठी वाली सॉस, हल्की टमाटो केचप लगाया है दोनों साइड, देखिएगा एक टूट ही जाएगा, ये देखिए, ठीक है। पनीर भी लगाया है, तो मैंने कहा चाय खाली नहीं ने देनी ना, क्योंकि चाय खाली अच्छी नहीं लगती। तो स्वाति थोड़ा आराम कर रही थी थोड़ी देर से, 1.5 घंटा सो गई थी, वो उठ गई है, कह रही चाय लाओ, और मैंने कहा चल ठीक है, फिर मैं जा ही रही हूँ किचन में रात का खाना बनाने के लिए। तो ये चाय बनी, बस बॉयल हो जाए तो मैं कप में डाल देती हूँ, ठीक है। अभी बीच में 1.5 घंटा मैंने भी ब्रेक लिया है, 5:15 बजे गई थी कमरे में, अभी आई हूँ, ठीक है। और अब रात के रख खाने की तैयारी भी करनी है, तो चलो पहले मैं चाय सबको दे दूँ, फिर मिलती हूँ। मोटर हमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है, कल रात को नीचे वाले पड़ोसियों से आर ओ का पानी लेकर आया था, चार बोतलें बड़ी वाली, ठीक है, वही चल रही हैं। और आज भी प्लम्बर आया था, अब देखो क्या, पता नहीं क्या, अभी तक पानी तो आया नहीं, मतलब किचन में तो आ जाता है पानी, ऊपर नहीं चढ़ता टंकी में। मोटर को हमने रिपेयर करवा के सारा, मतलब उसमें 300 रुपये लेबर लगी, 1500 रुपये लगे मोटर के, वो फिट करवा ली थी, वो तो कल ही करवा ली थी, ये चाय बॉयल हो रही है, वो तो कल ही करा ली थी, पर वो क्या पानी जो है ना टंकी में नहीं चढ़ रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। यहाँ तक तो आ रहा है पानी, मतलब किचन में आ रहा है पानी, इस वजह से हमारे बर्तनों का काम, खाना बनाने का काम हो रहा है आराम से, ठीक है। पर ज़्यादा पानी हम स्टोर नहीं करते, अभी है अभी, चलो चल जाएगा, कल पड़ोसियों से लिया था ऊपर वालों से, बेचारों ने बहुत सारा पानी दिया था कल, हमने अपनी टंकियाँ वगैरह, हमने जो घर में पड़ी है ना, मतलब 3 टंकियाँ वो फुल कर ली थी, बाल्टियाँ भर ली थी हमने। चलो पहले चाय, अभी 8:15 हो रहे हैं, चाय पानी का हमारा काम ख़त्म हो गया। स्वाति नीचे गई थी पार्लर, ये देख मैं दाल बना रही हूँ, ये वाली दाल, ये मेरे को लग रहा है इसमें पक जाएगी, क्योंकि हांडी में ना सख्त चीज़ें तो नहीं पकती, जैसे राजमा है, छोले हैं, ये तो नहीं पकते, चने की दाल है, ये नहीं पकती, इसमें टाइम तो उसमें ज़्यादा, फिर वो कुकर में ही पकाना ठीक रहेगा। पर ये वाली दाल जैसे पक जाती है, मैंने ना इसमें क्या डाला, ये देखो हल्दी और नमक डाल दिया है, क्योंकि इसमें हल्दी तो डालनी पड़ेगी ना, बनेगी तो ये सात्विक वाली, लेकिन हल्दी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हल्दी कई चीज़ों में अच्छी लगती है और कईयों में ना भी डालूँ तो चल जाता है। तो इसमें मैंने डाले हैं कड़ी पत्ता और तेज़पत्ता डाल दिया, ताकि इसकी खुशबू इसमें आ जाए। दाल धीरे धीरे स्लो स्लो पकती रहेगी। मैं जा रही हूँ, ये मैंने करेलों का वो निकत्तर का काटा था, लेकिन वो मैंने इसमें यूज़ कर लिया सैंडविच में, अब मैं बाकी इसमें कर लेती हूँ, ठीक है। प्याज भी डाल दिए, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, सब कुछ चला गया अंदर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक सब गया अंदर। अब ये धीरे धीरे होता रहेगा, उसके लिए मैं अलग से काट लूँगी, दोबारा काट लूँगी, और क्या करना, ऐसे ही होता है, मेरा कटा पड़ा होता तो कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। चलो ठीक है, अब मैं जो है ना ये इसको धीरे धीरे होता रहेगा। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मुझे लग रही है गर्मी,
मैं नहा के आती हूँ, फिर आके रोटी बनाऊंगी मैं, ठीक है? तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ। हेलो व्यूअर्स, देखिए मेरी दाल तैयार है। ये देखिए अच्छे से गल गई है, बहुत देर से रखी है वैसे मैंने, आधा पौधा घंटा तो हो गया, बस स्लो पे रखी हुई थी, बन तो गई है, मैं नहा के भी आ गई हूँ। और मैंने जो बाकी चीज़ें काटनी थी वो भी काट ली हैं, धनिया रेडी है ये रहा, और ये नारियल और ये टमाटर। पर मैंने देखा था नमक थोड़ा कम था, इसमें नमक डाल देती हूँ मैं, नमक थोड़ा सा कम था तो टिक्की भी अच्छी नहीं लगती ना। हल्की सी मिर्ची भी डाल देती हूँ, हल्की सी मिर्ची भी कम, ऐसे मैंने तीन हरी मिर्चें डाली हैं पर जो है ना फिर भी थोड़ी सी कम है ये। तो चलो ये तो दाल तो मेरी हो गई रेडी, मैं हिला देती हूँ मैं ज़रा, ठीक है? देखिए कड़ी पत्ता और दूसरा तेज पत्ता दोनों ही डाले हैं मैंने। अब हम इसमें डालेंगे, गैस बंद कर देंगे, तो गैस पे ये नहीं करना, मतलब ये चीज़ें गैस के उसमें नहीं डालनी जब चल रही हो, बनने पे डाल दिए। टमाटर डाल दिए, ठीक है, और नारियल डाल दिया, बीच में भूल जाएगा पता भी नहीं लगना कि नारियल है कहाँ। बस अब ये डालनी है धनिया पत्ती, ये डाल के गैस बंद कर देंगे और 10-15 मिनट के लिए इसको होने देंगे। तब तक मैं ना सलाद काट लेती हूँ, मेरे को सलाद काटना है। करेलों का काम आज भी नहीं हुआ, वो सारा तड़का तो इधर यूज़ हो गया, फिर मैं नहाने चली गई, ठीक है? ऐसे करके सारा टाइम लग जाता है। चलो कोई नहीं, अभी तो और भी एक दो काम करने हैं, और बहुत ज़रूरी काम है तो वो भी करने हैं। हरा धनिया डाल दी हूँ, ठीक है, कैसी लग रही दाल हरे धनिया डाली? ये देखिए हिला देते हैं थोड़ी थोड़ी, मिक्स हो जाएगा अच्छा सा। बस अब इसको गैस लो कर देते हैं, लो नहीं अब करनी है, बंद ही कर देनी है, हो गई दाल तो, ठीक है? तो चलो मैं अब बाकी काम कर लूँ।